किसानों के मुद्दे पर रोहित शर्मा से पंगा लेना कंगना रनौत को पड़ा भारी। ट्विटर ने हटाए कंगना रनौत के बेहद घटिया ट्वीट। रोहित शर्मा ने किसानों का समर्थन करते हुए उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की अपील की तो लगता है कि कंगना रनौत को ये हजम नहीं हुआ और रोहित शर्मा के लिए ऐसी घटिया भाषा का इस्तेमाल किया जो बेहद शर्मनाक है। कंगना रनौत के इन घटिया ट्वीट को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा भी दिया। कंगना रनौत ने रोहित शर्मा को क्या कहा ये वीडियो में आगे आपको दिखाएंगे। पहले रोहित शर्मा का वो ट्वीट बताते हैं जिसमें उन्होंने रीढ़ की हड्डी दिखाते हुए किसानों का मुद्दा उठाते हुए कहा, जब हम एक साथ खड़े होते हैं तो भारत हमेशा मजबूत होता है और अब समाधान खोजना वक्त की जरूरत है। हमारे किसान देश के भले के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं और मुझे भरोसा है कि हर कोई एकजुट होकर समाधान खोजने में अपनी भूमिका निभाएगा। रोहित शर्मा ने किसानों की समस्याओं का समाधान खोजने की बात की तो लगता है कि कंगना रनौत को मिर्ची लग गई और देश का नाम रोशन करने वाले दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा पर बरसते हुए कहा, ये क्रिकेटर ऐसे क्यों बोल रहे हैं जैसे धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। किसान नए कृषि कानूनों के खिलाफ क्यों होंगे जब ये कानून उनके भले के लिए हैं? ये सब आतंकवादी हैं, ऐसा बोलो डर लगता है क्या। रोहित शर्मा के बारे में कंगना रनौत के इन घटिया ट्वीट को ट्विटर ने अपने प्लेटफॉर्म से हटा दिया। लेकिन जिस तरह किसानों का साथ देने पर रोहित शर्मा के बारे में कंगना रनौत ने जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया उसके खिलाफ क्या सभी क्रिकेटर उस तरह एकजुट हो पाएंगे जिस तरह मोदी सरकार के समर्थन में उन्होंने लगातार ट्वीट किए। अगर रोहित शर्मा के समर्थन में विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने कंगना रनौत को जवाब नहीं दिया तो ये वाकई शर्मसार करने वाला होगा। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कि क्या बाकी क्रिकेटर रोहित शर्मा के बारे में ऐसी भाषा के इस्तेमाल पर कंगना रनौत को जवाब देने का काम करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।